नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। एक तरफ जहां देश में दंगाई फिजा में जहर घोलने से बाज नहीं आते, तो वहीं यूपी के बिजनौर के रहने वाले इस्लामुद्दीन पिछले 20 सालों से दशहरे के त्योहार के मौके पर अपने हाथों से रावण के पुतले को बनाकर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। बिजनौर के रहने वाले इस्लामुद्दीन जो 20 साल से विजयादशमी यानी दशहरे के त्योहार के मौके पर हर साल रावण का पुतला तैयार करते हैं, वैसे तो इस्लामुद्दीन का यह पुश्तैनी काम है। अब इसकी बागडोर खुद इस्लामुद्दीन व उनकी घर की दो महिलाएं साथ में रावण का पुतला तैयार करती हैं। इस्लामुद्दीन की माने तो मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम मजहब के हिसाब से पुतला बनाना पाप है, लेकिन गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने की वजह से इस्लामुद्दीन 20 सालों से हर साल बदस्तूर दशहरे के त्योहार के मौके पर पुतला बनाते आ रहे हैं। इस्लामुद्दीन बिजनौर की रामलीला के लिए हर साल 40 फीट लंबे रावण का पुतला तैयार करते हैं। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन भैया। इस्लामुद्दीन जी, जो रावण बनाते हैं कब से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? ये तो हमारे पहले बड़े बनाया करे थे, अब हम बनाने लगे। 200 साल से हो गए हम बनाते थे, और यो जो है बाहर के भी बनाते हैं हम, देहरादून, मंसूरी, हरिद्वार। कैसे कैसे बनाते हैं रावण, ये क्या क्या लगाते हैं इसमें? ये इसमें बांस पेपर, रद्दी, वो सुतली, किले, सारी चीज़ें लगती हैं इसके अंदर, रंग वंग सब। अच्छा, जैसे आप ये बनाते हो, आप एक मुस्लिम हो, इसके लिए कुछ मिसाल देना चाहते हो? इसके लिए भैया यही है कि हम अपने शहर में भी और जगह भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, जिस जगह हमारी बात बनी रहे, हम आपसदारी में भाईचारे के लिए यो काम करते हैं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।